या मुख्तार अंसारी के करीबी और शार्प शूटर संजय जीवा की कोर्ट परिसर लखनऊ कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी के घर पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। हमारे साथ उनके पिता हैं, आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपको? श्यामा यादव जी। आपका लड़का कल इतनी बड़ी वारदात हुई है लखनऊ में जी, आपको पता कैसे चला? सर हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हमारे यहाँ के प्रधान जी थे, हम शाम को चाय पीने गए तो ही हमको बताने लगे कि ऐसी सी बात हो गई। बोला कि 15 दिन से तो फ़ोन ही नहीं कर रहा था हम लोग को। हम लोग मोबाइल लगाता था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। ये ढंग का लड़का था ही नहीं। वो उसका स्वभाव कैसा था? स्वभाव उसका बहुत अच्छा था, किसी से कोई लगाव नहीं था उसका। कितने दिनों से आपके साथ नहीं रहा? समझ लिए कि मार्च में आया था, मुंबई रहता था, मार्च में आया, इसके बाद लखनऊ चला गया, लखनऊ से 4-5 दिन के बाद आता रहता था इधर। ये मई में आया 10 तारीख को। लखनऊ में क्या करते थे? लखनऊ में ये अपना एक काम बता रहा था, जो ये पानी का पाइप पड़ रहा है, बोलता है इसी में हम काम करता हूँ। बचपन से उसका व्यवहार क्या? बहुत अच्छा व्यवहार था उसका, पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छा इसका था। तो फिर कैसे वो कहीं आपराधिक दुनिया में कदम रखा कैसे? सर यही तो नहीं मालूम समझ पाया हम लोग ने। हम लोग तो इसी में हम लोग खुद चिंतित हैं पूरा, कैसा कैसा हो गया, किसका संगत मिल गया उसके साथ। क्या ऐसा पहली बार हुआ कि इससे पहले भी कभी? पहली बार ये है। नहीं इससे पहले भी अपहरण? हाँ एक लड़की के साथ में ऐसा हुआ था, जो कुछ सुल्ला सपाटा हो गया था। बोला अभी तुम भाई हो गया, सब जाओ कमाओ धमाओ अभी तुम लोग। तो अपना सब कुछ वही बम्बई रहने लगा फिर टाटा कंपनी में। बम्बई से कब आए? बम्बई से वो मार्च में आया। मार्च में इसके बाद फिर? फिर घर पे रहने लगा वो। फिर लखनऊ किस वजह से? घर पे रहने लगा। हाँ घर पे रहने लगा, कम से कम 1 महीना घर पे था। इसके बाद फिर तो लखनऊ तो साइड में गया। फिर आखिरी बार आपसे कब बात हुई लड़के? हमारा एक 11 तारीख को बात हुआ, 11 मई को। तो आपने पूछा नहीं क्या कर रहे हो? इसके बाद तो फ़ोन ही नहीं किया। वही तो शादी में से आया, 11 तारीख को हमने केराका तक छोड़ा उसको, छोड़ के चला आया। इसके बाद हम लोग फ़ोन लगाया था, कभी फ़ोन ही नहीं उसका आया। घर में कितने लड़के हैं? घर में 4 लड़के थे, वो दूसरा नंबर था। दूसरा नंबर था जी। जी ये इनके पिताजी थे। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि हत्या की वजह क्या है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 24, जौनपुर।